Subscribe and press the bell icon for latest update. दुष्कर्म का आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित के वकील ने महिलाओं को लेकर कोर्ट रूम में ऐसी बात कह दी है कि वहां मौजूद लोगों के नीचे से जमीन खिसक गई। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में औरतों को नर्क का द्वार बताया। इस टिप्पणी के बाद कोर्ट रूम में हंगामा हो गया, जिसके बाद कोर्ट ने वीरेंद्र देव के वकील को कोर्ट से बाहर फेंकवा दिया। कोर्ट में मौजूद दिल्ली महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस पर सख्त एतराज जताया, जिस पर कोर्ट ने वकीलों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और पूछा कि आप किस युग में जी रहे हैं। कोर्ट ने आश्रम के वकील और आश्रम से जुड़े सभी लोगों को बाहर निकलवा दिया। सुनवाई के बाद सीबीआई ने कहा है कि बाबा वीरेंद्र देव के खिलाफ लुकआउट जारी किया। कोर्ट ने दो दिन में आश्रम के सभी शाखाओं का पता बताने को कहा है। बात यही नहीं रुकी, बल्कि कोर्ट की सुनवाई के बाद कोर्ट परिसर के बाहर आश्रम के लोगों का आम लोगों ने घेर कर पूछा कि इस तरह की बात कोर्ट में क्यों कही जा रही है। इस पर आश्रम के लोग आम लोगों से भी बदतमीजी करते नजर आए। वीरेंद्र देव के वकील ने कहा है कि शंकराचार्य ने कहा है कि नारी नर का द्वार है। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।